दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर आपको नहीं पता कि भाई बैलेंस कैसे चेक करते हैं, रेगुलर बैलेंस कैसे चेक करते हैं, हमने कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, हमारे कितने यूनिट बन चुके हैं, तो वो बैलेंस चेक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको जानकारी मिलेगी कि हमने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए, कितने इन्वेस्ट किए, सारी जानकारी मिलेगी इसमें। तो पहला मेथड तो है, अगर अपना म्यूचुअल फंड का बैलेंस चेक करने के लिए कार्वी MFS की साइट पर अपन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने सुंदरम में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो चेक करते हैं। देखो, 54,000 रुपये मेरी कॉस्ट वैल्यू, मतलब मैंने 54,604 रुपये इन्वेस्ट किए, और अभी जो मेरी मार्केट वैल्यू है 61,546 रुपये। तो मतलब एप्रिसिएशन ओवरऑल मेरे को 6,942 रुपये मेरे बढ़ चुके हैं, मतलब 12.7% लगभग आसपास ग्रोथ है। और आज का एप्रिसिएशन, मतलब आज मेरे 458 रुपये घटे हैं, जो आज मार्केट वैल्यू उस हिसाब से, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। और जो आज के प्राइस है मेरे NAV, मतलब ये SIP जो घटती है, उसकी एक यूनिट की प्राइस है 495 रुपये, ये आप देख सकते हैं इधर। और ये देखो, मैंने 375 रुपये में भी लिए हुए हैं यूनिट, और 450 रुपये में भी यूनिट लिए हुए हैं, 455 रुपये में भी यूनिट लिए हुए हैं। मैं 2000 की SIP कटती है मेरी। तो आप कार्वी MFS की साइट पर जाइए, वहाँ लॉगिन कीजिए, अपना ईमेल ID वगैरह डालिए और पासवर्ड लगाइए, फिर ये अपना ये पेज खुल जाता है। और उसके बाद आप अगर आप रिडेम्पशन कराना चाहते हैं, तो रिडेम्पशन करवाने के लिए भी ऑप्शन है। ये तीन आप देख सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन है, अपने पैसे रिडेम्पशन करा सकते हैं और इन्वेस्ट भी करने हैं तो और भी ज़्यादा, या अमाउंट घटाना बढ़ाना हो तो वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी, आप मेरा एक वीडियो डाल रखा है मैंने, आप मेरा चैनल खोल के म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये जो लाल रेड कलर का बटन है, यहाँ से आप पैसे रिडेम्पशन करवा सकते हैं, फुल्ली या पार्शियली, जब भी चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब भी चाहें आप निकाल सकते हैं पैसे। तो अब ये तो था कार्वी MFS पे, और दूसरा मेथड है MyCAMS पे। ये आप देख सकते हैं, MyCAMS का जो पेज खुल चुका है, MyCAMS मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है। वहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पे HDFC में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, HDFC म्यूचुअल फंड में। ये देखो, आप दिखा रहा है HDFC म्यूचुअल फंड में मेरी जो टोटल कॉस्ट वैल्यू है 1,05,900 रुपये, और जो अभी मार्केट वैल्यू चल रही है 1,14,836 रुपये। तो जो अभी अप्रिसिएशन है, मतलब 8,936 रुपये मेरे बढ़े हुए बता रहे हैं, और एनुअल रिटर्न है जो 3.74% है। और ये जो वाली जो मेरी SIP है, म्यूचुअल फंड है, वो 3 साल के लिए है, मतलब 3 साल तक हम ना पैसे निकाल सकते वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, तो 3 साल तक ये मैंने फिक्स करा रखा है। और 2,000 की महीने की SIP कटती है, और 3 साल के लिए फिक्स है। और भी पूरी डिटेल में जो म्यूचुअल फंड पे जानकारी चाहिए, उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का जो बिगिनर्स हैं वो कैसे देखें। तो ये आप बैलेंस की जानकारी आपको इधर मिल गई है। कैम्स में भी देखने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ता है ईमेल आईडी लगाकर, फिर वो OTP भेजते हैं, फिर आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आप लॉगिन करते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ म्यूचुअल फंड स्कैम के साथ रजिस्टर्ड है, कुछ कार्वी MFS पे देख सकते हैं आप, कुछ कैम्स में नहीं दिखे तो कार्वी MFS पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं रेगुलरली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।